नमस्कार, मेरा नाम सदन जोड़ा, देख रहे हैं एक न्यूज चंडी फोर। आज 647वां संत रविदास का जयंती मनाया जा रहा है। जदयू के प्रदेश कार्यालय में हम हैं और आप हमारे वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ जयंती समारोह मनाया जा रहा है। एक ही मंच पे सब कोई महेश्वर हजारी पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री लोग बैठे हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष का भाषण चल रहा है। पहले आइए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुनते हैं। जातिवादी जैसे समाज रूढ़ियों को खिलाफ उन्होंने जो अभियान चलाया, अलग लगाया, उसको भुलाया नहीं जा सकता। संत रविदास जी समाज को एकता के सूत्र में उन्होंने बांधने का, उन्होंने जो समाज की जो रूढ़ियां थी समाज में, उसको जो उन्होंने विरोध किया और सच्चे मार्ग पर चलने का जो उन्होंने राह दिखाई, आज जो हम सब के नेता, जब आप उनके कार्यों को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि संत रविदास जी के जो विचार था, उनका जो आदर्श था, उसको हम सब के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सर जमीन पर उतारने का काम किया। आपने साफ तौर पर सुना जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को, इन्होंने कहा कि संत रविदास का 647वां जयंती मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में संत रविदास की जयंती जो मनाया जा रहा है, इनके मुख्यमंत्री जब बनने के बाद नीतीश कुमार ने संत रविदास जी की जयंती के लिए बहुत कार्य किया इन्होंने, और नीतीश कुमार के ही पुतले आज संत रविदास की जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है बिहार में। एक पूर्व मंत्री हैं, SC ST कल्याण विभाग के रत्न सदा भी हैं और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष महेश्वर हजारी, उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं और मंत्री पूर्व मंत्री हैं अशोक चौधरी वो भी हैं और पूर्व निषेध मंत्री सुनील कुमार हैं। सारे तमाम पूर्व मंत्री जदयू के कद्दावर नेता सारे कोई एक मंच पे थे, संत रविदास का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी पिंटू के साथ। मैं संजय पटना।